हर हर महादेव। उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल जिले से ऋतिक भोठियाल भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण हैं। इनका प्रश्न है कि हम हिंदू लोग कोई भी शुभ कर्म करते हैं, अनुष्ठान आदि करते हैं, छोटा या बड़ा, तो उसमें दीपक जलाते हैं। दीपक क्यों जलाते हैं, क्यों दीपदान करते हैं, इसका क्या शास्त्रीय कारण है? देखिए, दीपक इसलिए जलाया जाता है कि कर्म साक्षी के लिए, साक्षी माने आप ये जो कर्म कर रहे हैं, अनुष्ठान जप पूजन सांत्विक पौष्टिक आदि कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो उसका कोई साक्षी है, तो इस रूप में दीपक का जो है प्रज्वलन होता है। उसकी प्रार्थना में भी कहते हैं कि बोध हे दीप, आप जो है हमारे कर्म साक्षी हैं और विघ्नों का विनाश करने वाले हैं, हम आपको प्रज्वलित कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं कि जब तक हमारा ये कार्य समाप्त न हो तब तक आप सुस्थिर रूप से रह करके और हमारे कर्म के साक्षी बने। भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी यह विघ्न कृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव, तावदत्र स्थिरो भव, चाहे कुछ भी कहिए, दोनों पाठ हैं। तो दीपक वहाँ जो है अग्निदेव के रूप में कर्म साक्षी रूप में रहते हैं। वैसे तो जीव के कई और भी हमारे कर्मों के साक्षी हैं, सूर्य इत्यादि, सूर्य अग्नि खम मरुत गाव सोम संध्या हनी दिशा कंकु काला धर्म इति ये ते दयस्य साक्षिणा। इसमें भी अग्नि का नाम ही है, सूर्योग्नि, सूर्य अग्नि, आकाश जल पृथ्वी दिशाएं इंद्रियां धर्म दिन रात सूर्य चंद्रमा, ये सब हमारे कर्म के साक्षी हैं। तो वो दीपक को जला करके कर्म साक्षी के रूप में जलाया जाता, कोई भी हम कर्म करें तो भाई हमारा साक्षी ये है। जब तुलसीदास जी लिखते हैं, जब हनुमान जी ने भगवान श्री राघवेंद्र की सुग्रीव से मित्रता करवाई, तो वे मित्रता में साक्षी कौन है? हम तो सेवक हैं, हम साक्षी कैसे हो सकते हैं? हनुमान जी कह रहे हैं दोनों का ही मैं सेवक हूं। तो पावक साखी देकर जोरी प्रीति दृढ़ा है, पावक को अग्नि को साक्षी मान करके कि मैं अमुक गोत्री अमुक पिता का पुत्र अमुक नाम वाला आज आपसे मित्रता करता हूं, और कभी भी जो है अग्नि को साक्षी मान करके कहता हूं कभी भी विश्वासघात नहीं करूंगा और जीवन पर्यंत मित्रता निभाऊंगा, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए पावक साखी देकर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए, दृढ़ प्रीति जोड़ी। तो पावक साखी, साक्षी, साखी माने साक्षी, पावक को अग्नि को साक्षी मान करके ये जो है किया, तो अग्नि मुख्य रूप से साक्षी है किसी भी कर्म के लिए, इसलिए दीपक जलाते हैं। दीपक एक शुभता का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए दीपक जलाते हैं। प्रकाश पुंज है, तो हमारे अंदर जो भी अज्ञान रूपी अंधकार है वो सब नष्ट हो और प्रकाश पुंज प्रकट हो, ज्ञान रूपी प्रकाश हो, इसलिए भी दीपक जलाते हैं। और वो जो दीपक है जिस देवता की हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं, उस देवता का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है। भो दीप देव रूपस्त्व, कौन से देव? जिस देव की हम आराधना कर रहे हैं, क्योंकि कर्मकांड में बतलाया गया है, ग्रंथों में आप देखेंगे तो यदि जैसे अखंड दीप आपने जलाया और अखंड दीप जला रहे हैं कि हम अमुक नवरात्र पर्यंत देवी के में जलाएंगे, है ना, या ये जो है कृष्ण जी का जो जन्माष्टमी में पूरी रात जलाएंगे, दीपावली में पूरी रात जो है दीप प्रज्वलन करेंगे, या जब भी कि इस इतने दिन तक हम जो अखंड दीपक जलाएंगे, ऐसा आपने जो है निश्चय किया, संकल्प किया, दीपक को प्रज्वलित किया, लेकिन किसी कारणवशा यदि वो दीपक बीच में बुझ जाता है तो क्या? आपने उस देवता से जो है प्रार्थना की थी, देवता को वचन दिया था
कि अमुक दिवस पर्यंत हम अखंड दीपक जो है प्रज्वलित रखेंगे, लेकिन आप नहीं रख पाए तो आपने उसी देवता का अपराध किया जिस देवता का आप जो है अनुष्ठान कर रहे थे। तो इसलिए उस देवता के निमित्त 1008 या 108 आहुति मूल मंत्र से अवश्य डालनी चाहिए। ये पंडित लोगों के लिए बहुत काम का है, ध्यान देना। पता नहीं लोगों को, दीपक यदि बुझ जाता है कर्म काल में, एक बार बुझ गया तो फिर ये ऐसा ही करना पड़ेगा, दोबारा बुझ गया तो फिर इसका दूना करना चाहिए। इस रूप में जिस देवता का अनुष्ठान चल रहा है उसी देवता के निमित्त उतने ही 1000 या सामर्थ्य नहीं हो, छोटा अनुष्ठान हो जैसा भी, तो 108 आहुति से घी की जो आहुति अग्नि में डालना चाहिए इसके प्रायश्चित के निमित्त। और दीपदान, जैसे कोई मृत आत्मा हो जाता है उसके लिए भी दीपदान दिया जाता है। आपने ऐसा प्रश्न किया कि दीपदान क्यों किया जाता है, तो इसीलिए कि जो यहाँ से जो आत्मा दिवंगत हुई है, जो दिवंगत हुए जो यहाँ से गए हैं जो जीवात्मा, तो उनको मार्ग में, उनको वहाँ के जीवन में कहीं किसी भी प्रकार का अंधकार न हो, अज्ञान न हो, इसलिए प्रकाशमय तेजोमय उनका मार्ग रहे, देदीप्यमान उनका मार्ग रहे, इस दृष्टि से ये दीपदान उनके निमित्त किया जाता है। और दीपदान में वो संकल्प भी इसीलिए किए जाते हैं। और भी संकल्प भेद से जिस उद्देश्य से आप दीपदान करेंगे, संकल्प करेंगे कि यमुना जी में, गंगा जी में हम इतने दीपदान करेंगे, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो, ये हो जाए, भक्ति हो जाए, हमारा ये काम सिद्ध हो जाए, तो वो संकल्प भेद से वो कामना भी सिद्ध होती है। ये दीपदान के और भी कई कारण हैं। ठीक है जी। हर हर महादेव।